बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं जेली कस्टर्ड डिलाइट। जेली कस्टर्ड डिलाइट बनाने के लिए एक डेगची में हमने 1.5 लीटर दूध ले लिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। दूध को हम बॉईल करेंगे, साथ ही हम इस दूध में 12 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। चीनी हमने इसमें डाल दी है, इसको मिक्स करेंगे चीनी को। साथ ही हम इसमें 2 हरी इलायचियाँ डाल देंगे और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। दूध में बॉयल आ चुका है, फ्लेम को अब हम लो कर देंगे। इसके बाद हमने ये 1/2 कप दूध में 6 टेबलस्पून कस्टर्ड डाला था, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, उसको मिक्स किए हैं। अब हम इसको ऐसा ऐसा करके दूध में डाल देंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। ये हमने सारा कस्टर्ड इसमें डाल दिया है और आप देखेंगे थिक होना शुरू हो गया। फ्लेम को मीडियम हाई करके इसको हम 5 मिनट तक मज़ीद पकाएँगे। कस्टर्ड हमारा थिक हो चुका है, अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ये हमने एक पैकेट जेली का लिया था और इसको 1 कप पानी में हमने पका लिया है। आप किसी भी फ्लेवर की जेली ले सकते हैं। पका के हमने इसको ठंडा कर लिया था और ये जम गई है ठंडा होने के बाद। अब हम कस्टर्ड को डिश आउट करते हैं। ये कुछ बादाम और पिस्ते थे, इनको हमने बारीक क्रश कर लिया है। एक लेयर हमने कस्टर्ड की डाली है और इसके ऊपर हम ये बादाम और पिस्ते पर डालेंगे। ये 6 केले लिए थे, इनको हमने काट लिया है, ये इसके ऊपर हम डालेंगे। ये केलों की हमने लेयर लगा ली है। अब ये जेली जो हमने ठंडी की थी इसको हमने काट लिया है, ये हम इसके ऊपर रखेंगे। ये जेली की हमने इसके ऊपर लेयर लगा ली है, अब हम इसके ऊपर दोबारा कस्टर्ड डालेंगे। तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का और आसानी से बनने वाला जेली कस्टर्ड डिलाइट। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ईद पे बना के बच्चों को दें, बड़ों को दें, ये बहुत सबको बहुत पसंद आएगी। और इसको आप ठंडा करके सर्व करें। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।